नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको हाउ टू कंट्रोल ब्लड शुगर इन विंटर, मतलब कि सर्दी के मौसम में अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो किस प्रकार से अपना ब्लड शुगर लेवल आप मेंटेन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। वन बाय वन हम ये 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 है स्टे एक्टिव इंडोर। देखिए, यहाँ पर इंडोर शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोगों को बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है बाहर। तो ऐसे में आप घर पर, घर के अंदर इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, एक्टिव रह सकते हो, आप योगा कर सकते हो, साथ ही साथ मॉडरेट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और ब्लड शुगर लेवल भी आप अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। देखिए, इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, अगर आपको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है तो दिन में कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, मॉडरेट एक्टिविटी करनी होगी। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो घर पर ही आपको यह करना है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। अगर आप विंटर सीजन में फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करते हो तो आप ब्लड शुगर लेवल को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो। नंबर 2 है डाइट एडजस्टमेंट। देखिए, हमारे देश में जब हम कोई भी एक चीज़ खाने की मांगते हैं तो हमारे सामने 19 चीज़ें हाजिर हो जाती, क्योंकि हमारे यहाँ पर खाना इतना पॉपुलर होता है और खास करके विंटर सीजन में जहाँ पर घर पर भी हम बहुत सारी मीठी चीज़ें बनाते हैं, वहाँ आपको शुगर फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी हाई कैलोरी फूड की क्रेविंग होती है विंटर सीजन में, उसमें आपको ध्यान रखकर और आपको एक मैनर बनाकर आपको खाना है, क्योंकि अगर आप हाई कैलोरी कंटेंट खाते हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मीठी चीज़ें खास करके विंटर सीजन में खाते हो जिसमें रिफाइंड शुगर है, फिर शक्कर है, ऐसे में आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पाइक हो सकता है और फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ऐसे में आपको डाइट एडजस्टमेंट करनी काफ़ी ज़रूरी होती है। बैलेंस डाइट आपको अपनाना होगा जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में फैट मिल जाएगी, प्रोटीन मिल जाएंगे, फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिंस भी होते हैं, लेकिन वो सब मर्यादित मात्रा में, सही मात्रा में होते हैं। हमारे देश में विंटर सीजन में अच्छी मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो, जैसे कि आप ब्रोकली है, फेनुग्रीक यानी कि मेथी है, धनिया है, इत्यादि जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पालक होती है, उसका आप सेवन कर सकते हो, जिसमें से आपको प्लांट बेस्ड फाइबर्स मिलते हैं जो आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेंगे, साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल में भी स्पाइक नहीं होगा और आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल में रह पाएगा। नंबर 3 है ड्रिंक वार्म वाटर, यानी कि गुनगुना पानी पीना है। सर्दी के मौसम में जहाँ पसीना बहुत ही कम आता है, इतना ज़्यादा आप एक्टिव नहीं रह पाते हो, तो ऐसे में आपको प्यास कम लगती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि पानी कम पीना, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पहले जितनी थी उतनी ही आज है, मतलब हर सीजन में पानी की रिक्वायरमेंट शरीर को होती है। दिन में कम से कम आपको 8 गिलास पानी के कम से कम 2 लीटर पानी पीना है। इन केस ऑफ विंटर सीजन आप रेगुलर पानी को छोड़कर अगर आप गुनगुना पानी पीते हो, वार्म वाटर पीते हो, तो ऐसे में आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है और ब्लड शुगर लेवल भी अच्छे से कंट्रोल में आप रख सकते हो। नंबर 4 है मॉनिटर ब्लड शुगर रेगुलरली, मतलब कि समय समय पर आपको ब्लड शुगर चेक करना, मॉनिटर करना काफ़ी ज़रूरी होता है, खास करके विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर सीजन में ब्लड शुगर में जो फ्लक्चुएशन होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए समय समय पर आपको मॉनिटर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ब्लड शुगर लेवल की डिवाइसेस है चेक करने की, तो फिर आप उससे कर सकते हो, फिर बाहर जाकर लेबोरेटरी में आप समय समय पर सिंपल सा टेस्ट करवा के ये कर सकते हो। क्यों ज़रूरी है? अगर आपके पास आंकड़े हैं तो पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से ब्लड शुगर को कंट्रोल कर पाते हो। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा आता है, हर वक्त आप चेक करवाते हो, हर वक्त ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं पर आप मिस्टेक कर रहे हो, जैसे कि या तो आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, फिजिकली एक्टिव नहीं रह पा रहे हो, या फिर आप डाइट एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अच्छे से अपने बॉडी को हाइड्रेट नहीं रख पा रहे हो, कहीं ना कहीं पर आप कुछ भूल कर रहे हो। अगर आंकड़े ही नहीं है आपके पास, अगर आप मॉनिटर ही नहीं करते हो ब्लड शुगर लेवल को, तो पता नहीं चलेगा कि आप पुअरली कंट्रोल कर रहे हो या फिर फेलली कंट्रोल कर रहे हो। तो ऐसे में ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। नंबर 5 है सनलाइट एक्सपोजर। जब भी आप सनलाइट एक्सपोजर लेते हो तो आपके शरीर में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा है, साथ ही साथ जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ाता है। जब आपके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है तो जो कुछ भी आप शुगर वाला खाना खा रहे हो या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट में से जो ग्लूकोज आ रहा है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी नहीं, यानी कि कंट्रोल रह पाएगी। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी है, अगर आप सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं, फिर कोई भी तरीके से अपना विटामिन डी का लेवल मेंटेन रखते हो, तो आप ब्लड शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। तो यह थी जानकारी विंटर सीजन यानी कि सर्दी के मौसम में किस प्रकार से
ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।